हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के। जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है थ्योरम्स। तो आपकी थ्योरम्स के सबसे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरम्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये आते हैं डेरिवेटिव यूनिट से, डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में से आपको एक थ्योरम पक्का आएगा। तो कितने थ्योरम आपके पास? तीन थ्योरम है। जो फर्स्ट है थ्योरम, ये है चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये पहली थ्योरम है जो कि है चेन रूल। क्या नाम है इसका? चेन रूल। देन सेकंड थ्योरम है, ये है इनवर्स थ्योरम, डी वाई बाई डी एक्स, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन डी एक्स बाय डी वाई, वेयर डी एक्स बाय डी वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। तो ये था सेकंड। इसके बाद है थर्ड। थर्ड जो थ्योरम है ये होती है पैरामेट्रिक, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, वे आर डी एक्स बाय डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये भी जीरो नहीं चाहिए। तो ये तीन थ्योरम है, ये तीन थ्योरम में से पक्का एक थ्योरम आएगा ही, जो थ्री या फोर मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर आपको थ्री मार्क्स का थ्योरम पूछा गया है तो सिर्फ थ्योरम ही लिखना है आपको, लेकिन अगर फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब थ्योरम के साथ उसका एक मार्क्स के लिए प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ये था डेरिवेटिव का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो तीन थ्योरम्स है, तीन थ्योरम में से आपको एक थ्योरम पक्का आएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट इन क्लास 12th। तो इंटीग्रेशन में कौन सी थ्योरम आ सकती है? तो इंटीग्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीग्रल यू वी डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स, अरे यार डी एक्स। तो ये होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थ्योरम, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट कैरीज थ्री मार्क्स, तो तीन मार्क्स के लिए आपको पूछी जा सकती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थ्योरम। देन सेकंड थ्योरम, सेकंड देखिए सेकंड कैसे रहती है, ये आ सकती है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी। सेवन प्रॉपर्टीज है, उसमें से ज़्यादा प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। तो अंडर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूव दैट वाली प्रॉपर्टी है। लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। देन नेक्स्ट है थर्ड, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता है वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में लगाया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे है विदाउट रूट। अगर विदाउट रूट है और प्लस है तो ध्यान में रखना है आपको वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए आपका आंसर रहेगा, और ये रहेगा यहाँ पे शो दैट या प्रूव दैट करके रहेगा क्वेश्चन। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट फोर्थ। देखो तीन स्पेशल प्रॉपर्टीज है, तीन स्पेशल प्रॉपर्टीज में से ये पूछी जा सकती है। तीन स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन सी है? तो यहाँ पे एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी थ्योरम के जैसे या थ्योरम बोल सकते हैं हम, ये स्पेशल इंटीग्रेशन जो है स्पेशल इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर होता है एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। क्या होता है इसका? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये इसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाला। तो इसमें क्या करना है आपको, ये सभी चीज़ें फॉलो करना है। फिर से जो पार्ट है ये आ जाएगा सबसे पहले एक्स बाय टू, एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस एन में रखना है ए स्क्वायर बाई टू, लॉग लगाना है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यह है सेकंड। इसके बाद लास्ट, ये तीन का ग्रुप है, तीन में से एक आ सकता है फोर मार्क्स के लिए। इसके बाद आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें चेंजेस क्या होगा, सेम रहेगा, जो अंडर रूट है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके तुरंत बाद क्या करना, अभी प्लस वाला है तो यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो है, ये तीन प्रॉपर्टीज है, ये तीन प्रॉपर्टीज में से एक स्पेशल इंटीग्रेशन पक्का आ सकता है, क्योंकि लास्ट दो तीन सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, दो सालों से, तो इसलिए ये चांसेस बनते। तो ये अच्छे से करना है आपको। उसके साथ ही क्या करना है आपको, सेवन प्रॉपर्टीज है जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए है, ए डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला। और साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद सेवन बता देता हूँ आपको, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो है ये होता है वन बाय ट्वाइस से प्रूव करने के लिए आ सकता है, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये भी पूछे जाने के चांसेस है। तो ध्यान से देखिए, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाय ट्वाइस ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये देखिए, ये सबसे पहला सेट है इंटीग्रे इनडिफाइनाइट इंटीग्रल का, और साथ में डेरिवेटिव का जो मैंने आपको बताया है। तो आपको अगर इसी तरीके से आईएमपी क्वेश्चन और चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आपको सिंपल करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड तक के हम बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देते जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। डिफ्रेंशिएशन की तीन थियरम्स हैं, और उसी के साथ में इनडिफाइनाइट इंटीग्रल का भी पार्ट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करवा दिया है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइनाइट इंटीग्रल के क्वेश्चन, उसके साथ ही वेक्टर्स की थ्योरम एंड 3D से भी जो थ्योरम है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।